हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सब कैसे फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड बाइनरी मार्केट से और फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो या ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन चाहते हो अबाउट दोस काइंड ऑफ मार्केट, दोस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, तो करना क्या है, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक आए। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Iqoption वर्सेज ओलिंप ट्रेड का लाइव ट्रेड लेके, यानी लाइव कंपेरिजन मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें हम ट्रेड लेंगे ओलिंप ट्रेड से भी और Iqoption से भी, और दोनों के लाइव अकाउंट से। ठीक है, तो आज जो कुछ लोगों के डाउट्स हैं कि क्या ग्राफ सेम चलते हैं, क्या एप्लीकेशन उन्हें किसी तरीके से चीट करती है, ये सारे डाउट्स आपके होने वाले हैं क्लियर आज ही की वीडियो में। तो देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, बहुत ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है, इतनी मेरी गारंटी है। यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना, आपका एक लाइक इक्वल्स टू माई मोटिवेशन, तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट टॉप साइड में, लेफ्ट बॉटम साइड में आप देख पा रहे हैं मेरे ओलिंप ट्रेड का इंटरफेस, जो कि मैंने मोबाइल स्क्रीन से लॉगिन किया हुआ है। एंड आप पीछे देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में, ये Iqoption का इंटरफेस है जो मेरे पीसी में लॉगिन है। लाइव अकाउंट में बात करते हैं तो Iqoption में $112 है, एंड अगर बात करते हैं ओलिंप ट्रेड की तो $7,522 लाइव अकाउंट में है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, विदाउट बोनस। तो यहाँ पे इतना जो अमाउंट है, आज हम $10 की ट्रेड लेंगे Iqoption से, एंड $10 की ट्रेड लेंगे ओलिंप ट्रेड से, यानी फर्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ लोगों के मन में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोनों स्क्रीन्स को देख के, कि स्ट्रैटेजी जो है वो दोनों के दोनों में अलग अलग है, मतलब Iqoption में अलग है ओलिंप में अलग है, ऐसा क्यों? तो यार देखिए, ओलिंप ट्रेड में जो स्ट्रैटेजी अभी आप देख पा रहे हैं वो है ऐसे में, एंड आप Iqoption में जो स्ट्रैटेजी देख पा रहे हैं वो है बॉलिंजर बैंड, तो बिल्कुल अलग अलग ही होंगी। ठीक है, तो अब हम जो है ट्रेड लेने वाले हैं, ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ भी लगभग सेम चल रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 30 सेकंड सेलेक्टेड है, इसको मैं 1 मिनट सेलेक्टेड कर देता हूँ तो आपको ग्राफ में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं मिलेंगे अगर मैं 1 मिनट कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे 1 मिनट कर दिया है, तो अब बिल्कुल ग्राफ जो आपको यहाँ पे मिलेगा सेम ग्राफ आपको 1 मिनट वापस 30 सेकंड्स हो गया, ये बाय डिफॉल्ट आई डोंट नो व्हाई ये 30 सेकंड्स पे जा रहा है, मैं 1 मिनट वापस मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखेंगे बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम जो Iqoption का ग्राफ है वही ओलिंप ट्रेड का ग्राफ है। अब हम एक ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और अभी हम जो है एक ट्रेड प्लेस करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ओके, तो अभी मैं दोनों में हायर यानी कॉल के लिए एक कॉल ले लेता हूँ दोनों में, एंड देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा और वेट अगर हमारी स्ट्रैटेजी देखेंगे आप यहाँ पे, अगर इसको सेटिस्फाई करती है ओके, तो अभी हम दोनों में कॉल लेंगे, एंड एक ही साथ में बटन को प्रेस करूँगा, कोशिश करूँगा कि सेकंड्स का डिफरेंस भी यहाँ पे ना आए। ठीक है, अब आप बात करते हैं टाइमिंग की, तो ओके यहाँ पे मेरे लैपटॉप की मेमोरी से रिगार्डिंग इशू है कुछ, ओके लेट इट बी, देखते हैं बाद में। तो अभी जो है टाइमिंग का, तो देखिए यहाँ पे 29 मिनट्स है, 5:29, जैसे ये 6 पे पहुँच जाता है यानी 5:30 पे पहुँच जाता है, यहाँ पे मैं 31 करके हायर पे ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1 मिनट की ट्रेड हम प्लेस करेंगे दोनों ही इंटरफेस से, एक ही ट्रेड होगी, एक ही टाइम होगा, करेंसी भी एक होगी, यूरो GPY मैंने सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज बिल्कुल अलग है दोनों में, यहाँ पे मुझे मिल रहा 90% और यहाँ पे मिल रहा 77% का प्रॉफिट। जैसा कि आपको पता है यार, प्रॉफिट परसेंटेज में आपको ओलिंप से बेटर नहीं मिलने वाला कोई, ओलिंप और Iqoption ये दोनों ही अच्छे खासे प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे देते हैं, कभी कभार Iqoption कभी कभार ओलिंप। ओलिंप में मेरा भी VIP अकाउंट लॉगिन है, इस वजह से यहाँ पे जो है प्रॉफिट परसेंटेज आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओके, सो अब 30 हो गया है, 31 हो गया है, और मैंने हायर के लिए और दोनों तरफ से मैंने कॉल लेके यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। यहाँ पे मेरी ट्रेड है मोबाइल के अंदर, वो भी मैंने कॉल के लिए यानी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस की है। एंड द सेम केस अगर Iqoption के इंटरफेस की बात करते हैं तो वो भी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस की है। अब ये देखना है, देखिए अब बात करते हैं सेकेंड्स की डिफरेंस, तो मुझे लगता है आ ही गया होगा, लेकिन अगर बात करते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ,
ओके तो बात करते हैं अब अंदाजा, तो हमें या तो हम एक से हारेंगे तो दूसरे से भी हमें हारना चाहिए, और अगर एक से जीतेंगे तो हमें दूसरे से भी जीतना चाहिए, इस तरीके का कुछ सिनेरियो होना चाहिए। अभी देखो 30 सेकंड्स पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, तो मैं इसको 1 मिनट करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इस वजह से वो ऑलरेडी 30 सेकंड्स ले रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो 1 मिनट पर आ जाएगा वो। ओके तो अभी हमारे पास बहुत ही कम सेकंड्स हैं, शायद 12 सेकंड्स बचे हैं, एंड आई थिंक हम जो है ये ट्रेड जो है विन कर जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे एक बड़ी ट्रेड पे, यानी देखो अब हम करेंगे एक $50 की ट्रेड। यहाँ पे देखो मुझे प्रॉफिट मिल गया है, रिजल्ट आ गया है, और यहाँ पे सेम मेरे पास रिजल्ट आ गया है IQOption वर्सेज ओलिम्प ट्रेड, और दोनों में ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे हैं जीते हैं, दोनों के दोनों से सेम रिजल्ट है। अब IQOption में मेरे पास बैलेंस है $120, लेकिन मैं अभी ट्रेड लूंगा $50 की, लेट इट बी जो होगा देखी जाए, क्योंकि छोटी अमाउंट की ट्रेड में ज्यादा हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब लेंगे $50 की ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन, तो अब मैं जाने वाला हूँ हायर के लिए ही, और 1 मिनट का टाइम जो है वो मैं सेलेक्ट करूंगा। अभी जैसे ही मुझे 5:32 मिलेंगे यहाँ पे, वैसे ही मैं ट्रेड जो है वो प्लेस करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में हायर के लिए, एंड हमारी इन्वेस्टमेंट इस बार होने वाली है IQOption में भी, और IQOption और ओलिम्प ट्रेड दोनों में ही हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी $50 की। ओके नॉट ए स्मॉल अमाउंट, $50 एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा अमाउंट है, लेकिन ज़रूर ट्रेड लेंगे एंड देखते हैं। रियलिटी है, पता करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने यहाँ पर दोनों से ही ट्रेड ले ली है हायर के लिए। हायर के लिए दोनों से मैंने ट्रेड ले ली है, अमाउंट मैंने जो इन्वेस्ट की है वो है $50। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है। $50 मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंस आया भी होगा तो माइनर सेकंड का, मिली सेकंड का डिफरेंस होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है जो मेरे ट्रेड प्लेस करने के टाइम पे आ जाता है। क्योंकि बात करना, समझाना और ड्यूरिंग दी बात करने के बीच में ट्रेड लेना बहुत इफेक्ट डाल देता है, कई बार एक सेकंड्स का डिफरेंस आपको दे देता है। ठीक है, तो अभी हम -$50 के लॉस में है, अभी हम $30 के प्रॉफिट में आ गए हैं। लाइक 77% का प्रॉफिट दे रहा है यार IQOption, क्योंकि आपके पास यहाँ पे VIP अकाउंट नहीं है मेरे पास, इसी वजह से यहाँ पे इतना जो है कम प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। वीडियो को आज ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी से छोटी वीडियो करके निपटाने की कोशिश करेंगे। 13 सेकंड्स हमारे पास लेफ्ट है, लेट्स सी कि क्या होता है इन 30 सेकंड, देखते हैं कि क्या होता है। और अभी तो हमारा काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, लास्ट कैंडल हमारे पास काफ़ी अच्छी बनी है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो भैया हमारे पास दोनों ही तरफ से आ गया है प्रॉफिट, एक तरफ हमारे पास है $38 का प्रॉफिट, $30 का प्रॉफिट, ओके और ओके एंड दी सेकंड हमारे पास ओलिम्प की बात करते हैं तो यहाँ पे आया है $45 का प्रॉफिट। ओके तो यार मार्केट जो है यूरो JPY का बड़ा ही कंसिस्टेंट चल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो अगर मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ तो क्या मार्केट चल रहा है भैया, इस तरीके की कंडीशंस में ट्रेड लेने में तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब जो है एक ट्रेड और लेंगे, लेकिन इस बार लेंगे $10 की, क्योंकि अब देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में ही रहते, तो $10 की एक और ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे अब ठीक है, एक मुझे कंडीशन यहाँ पे जैसे मुझे 34 मिनट मिलता है, 5:34 मैं एक बार और जो है प्लेस कर दूंगा ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड हमारे पास रिजल्ट जो है आपको पता ही है, सेम रिजल्ट अभी हमारे पास है। मतलब अगर हम ओलिम्प से जीत रहे हैं तो IQOption से भी जीत रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का छलावा या फिर आपको अगर मैं बोलूँ तो मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है, दोनों से ही $10-$10 की ट्रेड है, डायरेक्शन हमारा अपवर्ड। तो यार अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि यहाँ पे कोई भी तरीके की चीटिंग आपकी तरीके इन लोगों की तरफ से आपके साथ नहीं होती है, मतलब कि अगर मैं एक एप्लीकेशन में यानी एक इंटरफेस में हारता हूँ तो डेफिनेटली दूसरे इंटरफेस में भी मैं हारूंगा, अगर मैं एक इंटरफेस में जीतता हूँ तो दूसरे इंटरफेस में भी जीतूंगा। आप लोगों का एक सवाल मेरे से हमेशा रहता है कि अच्छा मार्केट या बेकार मार्केट को किस तरीके से जज कर सकते हैं। तो देखो यार अगर आप मेरे मोबाइल स्क्रीन की इंटरफेस में देखोगे, ठीक है मोबाइल स्क्रीन की इंटरफेस में देखो तो यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट दिख रहा है, एक चीज़ एक कंसिस्टेंसी दिख रही है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके के मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक ठाक सा मार्केट होता है, एक या दो आर्टिकल स्टेप अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हो तो आपके हारने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही कम चांसेस होंगे आपके लॉस करने के, क्योंकि एक या दो ट्रेड आप हार भी जाओगे लेकिन थर्ड फोर्थ ट्रेड पे आप विन करके वो चीज़ रिकवरी कर लोगे। लेकिन मार्केट कंडीशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशंस को हम कहेंगे अच्छी कंडीशंस है मार्केट की। अब देखो ये वाली ट्रेड है हम हार गए हैं लेकिन बहुत ही सेकंड्स के डिफरेंस है, और इधर भी हम हारे हैं, यानी हम दोनों तरफ से ये ट्रेड हारे हैं, इधर भी और उधर भी, इन द सेंस कि ओवरऑल अब अभी हम प्रॉफिट में ही हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ज़्यादा लॉस में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी प्रॉफिट में है तो स्टॉप करना ही बेटर रहेगा। और जो हमारा मोटिव था आज का आप लोगों को दिखाने का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। आप लोग समझ गए होंगे IQOption और ओलिम्प ट्रेड में कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप IQOption में जीतोगे
हाँ माफी चाहूंगा, अगर आप आई की ऑप्शन में जीतोगे तो ओलिंप ट्रेड में भी जीतोगे, अगर आप ओलिंप ट्रेड में हारोगे तो आई की ऑप्शन में भी हारोगे। मतलब ये चीटिंग किसी तरीके से नहीं करती है वेबसाइट, और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे कंपैरिजन आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ओलिंप ट्रेड आई क्यू ऑप्शन को छोड़ के हम बात करने वाले हैं बायनमो, आयरन ट्रेड एक्सपर्ट ऑप्शन, बायनेनी एंड बहुत सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशन। करना क्या यार, जुड़ जाओ चैनल के साथ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ नहीं हुए हो तो, क्योंकि अगर वहां पे नहीं होते हो ना यार बहुत कुछ मिस करोगे आप, तो टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन हो जाओ। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज सर्च करो टेलीग्राम पे टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली और आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो, और बाकी तो अपडेट्स आपको मिलती ही रहती है अगर आप चैनल के साथ जुड़े हो। सच्चाई पहुंचाना चैनल का काम है, लाइक आपने कर दिया होगा वीडियो को, शेयर आप करते ही रहते होंगे, और आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।